हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल मिस्त्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको जो किचन में सिंक लगती है तो उस पत्थर की कटिंग कैसे होती है जिसमें हमारी सिंक लगेगी, तो उसके बारे में हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी दोस्तों का कमेंट था कि हमें बताएं कि सिंक में कटिंग कैसी होती है, तो आज हम उसकी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपने मसाला फैलाने का प्रोसीजर तो मेरे पिछली वीडियो में देख लिया होगा। यदि नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप देख सकते हैं कि मसाला किस तरह से फैलाया जाता है, इसका लेवल किस तरह का आता है। तो आज हम आपको सिंक की कटिंग के बारे में बताएंगे कि सिंक की कटिंग कैसी होती है। तो दोस्तों, आप पहले दीवार में इस तरह सिंक के सामने निशान लगा लें, उससे आपको नाप लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। यदि दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जरूर देखें, उसमें आपके लिए काफ़ी कुछ जानकारी मैंने उसमें दी है, जो जानकारी बहुत बारीकी से दी है, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बारीक से बारीक जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के शायद काम आ सके वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप फंटी की सहायता से इसको आप सीधी कर लें, इसका निशान आप दीवार पर लगाएं। मैंने फंटी, इसके आगे फंटी लगाई है और इसके सामने मैंने निशान लगा दिया है। आप भी इस तरह से फंटी को चेक करें, और साइड से भी हमने निशान लगाया, अभी हमने फंटी के साथ ही लगाया था, ये हमको दिखाए थे। और आप इसको इंच टेप से भी नाप सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले नाप रखा था, ये बिल्कुल ठीक था। आप भी नाप लें, सिंक टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इससे आपकी सिंक भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तभी आप दीवार में फंटी का निशान लगाएं। और आप इसका नाप दीवार पर भी उतार सकते हैं, और आप इसके बाद सिंक को बाहर निकाल लें। सिंक को बाहर निकालने के बाद आप इस पर जो पत्थर था, जो कटिंग करके आपने पत्थर था, वो पत्थर आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पत्थर रख दिया है, अब हम सिंक की कटिंग के लिए, अब सिंक का नाप हम पत्थर के ऊपर उतारते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आप देखिए, हमने जो सामने दीवार की तरफ निशान लगाए थे, अब हमने सिंक को भी उसी तरीके से रख दिया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी सामने उसी निशान पर फिट है, आप देखिए, और इधर से भी बिल्कुल ये उसी निशान पर बिल्कुल फिट है। जो निशान हमने सामने लगाया था, उस निशान को आप सिंक के आगे लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगा दिया है। सिंक हमारे थोड़ी दीवार की तरफ टच है, दीवार थोड़ी किनारे आएगी, तो यह एक निशान हमारे दीवार पे भी है। आप इस निशान को फंटी से चेक करें कि कैसा है, इससे आपकी सिंक बिल्कुल सीधी रहेगी। अब आप उस निशान पे, उस फंटी पे बिल्कुल सीधी मिला लें। आप देखते रहिए कि किस तरह से हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बारीक से बारीक नॉलेज देने वाली होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप इसके दोनों साइड निशान लगा सकते हैं, जैसे मैं कि लगा रहा हूँ। अब देखें, मैंने इधर निशान लगा दिया है, इस तरह से आप भी निशान लगाएं, और इस तरफ भी आप उसी तरीके से निशान लगा दें। बस सामने हमारी फंटी है ही, और सामने का निशान आओ फंटी पर लगा लें इस तरह से। ये इस तरह से निशान लग गया इस पर। तो दोस्तों, अब आपका होता है सिंक का कटिंग का काम। तो आप चेक करें निशान को कि हमारा निशान सही है, बिल्कुल सही है, और अब आप इसकी कटिंग कर सकते हो इस निशान पे। We'll be right back.
तो दोस्तों हमने अब पत्थर की कटिंग कर दी है और सिंक भी इसमें फिट कर दी है। तो देखिए सिंक बिल्कुल फिट आई है, बिल्कुल भी कहीं से कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत बढ़िया बैठ गई है। अब आप इसे पक्के कर सकते हो और पक्के करने के बाद देखो ये कैसे लग रही है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।